हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का न्यू सिलेबस है, जिसमें टोटल पांच सब्जेक्ट पढ़ना है। थ्योरी में आप देख सकते हैं, पहला है माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशंस, दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस, और पांचवा है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो टोटल पांच सब्जेक्ट थ्योरी का है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की बात कर ले, तो प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन लैब है, डिजिटल कम्युनिकेशन लैब है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट लैब है और मैट लैब है। चार आपका प्रैक्टिकल है। और फिर हम लोग टर्म वर्क की बात करें, तो टर्म वर्क में भी चार है, एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, माइनर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट करना है, ब्लॉकचेन थॉट्स, मॉक स्वयं से जो है इसको करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल पांच सब्जेक्ट पढ़ना है, जो मुख्य रूप से है वो माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला जो सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें जो पढ़ना है वो यूनिट वन है, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, आर्किटेक्चर है 8085/8086 का, इंटेल MCS51 फैमिली फीचर्स, 8051 ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर देखना है। यूनिट टू है 8051 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग को देखना है, मीन्स माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। यूनिट थ्री में MCS51 एंड एक्सटर्नल इंटरफेस, 8 यूजर इंटरफेस। यूनिट फोर में सी प्रोग्रामिंग विथ 8051, 8051 का जो है में सी प्रोग्रामिंग का यूज करके करना है, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग पढ़ना है, टाइमर्स काउंटर पढ़ना है, सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ना है, इंटरप्ट है, यूजर इंटरफेस है, LCD है, कीपैड है, LED है एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस है। यूनिट फाइव में आप देख सकते हैं आर्म प्रोसेसर, कोर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, नीड फॉर रिस्क प्रोसेसर, आर्म प्रोसेसर फंडामेंटल्स, आर्म कोर बेस्ड कंट्रोलर, ये आपका यूनिट फाइव में पढ़ना है। तो देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें टोटल जो यूनिट पढ़ना है वो पांच यूनिट है, पांच यूनिट जो कि आपके स्क्रीन पे है। उसके बाद सेकेंड जो पेपर है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें टोटल कितना यूनिट है, इसमें भी टोटल यूनिट पाँच है। पाँच यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, यूनिट वन में जो है ऑडियो फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड सिग्नल पढ़ना है, ऑडियो लेवल मीटरिंग पढ़ना है, डेसिबल लेवल इन एकॉस्टिक मेजरमेंट, माइक्रोफोन एंड टाइप्स, स्पीकर टाइप्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल, साउंड रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल एंड टाइप्स। सेकेंड में ऑडियो सिस्टम है, जिसमें CD प्लेयर, होम थिएटर, साउंड सिस्टम, डिजिटल कंसोल, ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन, FM ट्यूनर, ये सब चीज़ को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड में टेलीविजन सिस्टम है, जिसमें मोनोक्रोम TV स्टैंडर्ड, स्कैनिंग प्रोसेस, एस्पेक्ट रेशियो पढ़ना है, परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड फ्लिकर है, इंटरलेस स्कैनिंग है, पिक्चर रिजोल्यूशन है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल है, और ये डिफरेंट सारा चीज़ है, ह्यू सेचुरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ TV कैमरा, ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ जो है यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट फोर में जो है टेलीविजन रिसीवर्स एंड वीडियो सिस्टम्स है, जिसमें पाल डी कलर TV रिसीवर है, डिजिटल TV है, LCD, LED, प्लाज्मा, HDTV, जो लेटेस्ट टेलीविजन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, 3D TV प्रोजेक्शन, DTH रिसीवर, वीडियो इंटरफेस, वीडियो डिजिटल वीडियो, SDI, HDMI मल्टीमीडिया इंटरफेस, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, CD एंड DVD प्लेयर, तो ये यूनिट फोर में पढ़ना है। यूनिट फाइव है होम ऑफिस अप्लायंसेज, जिसमें डायग्राम पढ़ना है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोलर फॉर फैक्स एंड फोटोकॉपियर, माइक्रोवेव ओवन के बारे में पढ़ना है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है एंड रेफ्रिजरेटर है, डिजिटल कैमरा एंड कैमकोडर। तो ये टोटल पांच यूनिट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल पांच यूनिट पढ़ना है।
उसके बाद थर्ड जो पेपर है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं इसमें भी जो है टोटल 4 यूनिट है इसमें, जिसमें यूनिट 1 में जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सब सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, पैम पीसीएम सिग्नल पढ़ना है, पीसीएम टीडीएम हायरार्की फ्रेम स्ट्रक्चर ये सब चीज, सैम्पलिंग ऑफ लो पास एंड बैंड पास सिग्नल। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ जो है यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में है क्वांटाइजेशन नॉइज एनालिसिस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम, एडीपीसीएम, लो बिट रेट कोडिंग ऑफ स्पीच, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, 0 SII। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ जो है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ये डिफरेंट सारा चीज़ यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट कीइंग, DPSK, QAM, MSK, OK, BPSK, डिफरेंट सारा जो है प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। फिर जो है जेनरेशन है, डिटेक्शन है, मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन, कंपैरिजन ऑफ बैंडविड्थ एंड बिट रेट ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। यूनिट 4 में है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कोडिंग थ्योरी, जिसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन मेजर्स, शैनन्स एंट्रोपी, डिफरेंशियल एंट्रोपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी थ्योरम फॉर पॉइंट टू पॉइंट चैनल्स विथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस अल्फाबेट्स, कोडिंग थ्योरी, लीनियर ब्लॉक कोड्स। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ जो है आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में टोटल जो है 4 यूनिट पढ़ना है जो आपके स्क्रीन पे है। उसके बाद हम लोग बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, जिसमें आपको पढ़ना है टोटल 5 यूनिट है इसमें। पहला यूनिट में है सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस सब्जेक्ट का नाम है। इसका सब्जेक्ट कोड 2021-404 है, 2021-404, 2021-404 का मतलब समझिए 2021-404 मतलब 20 जो है 2021 में ये जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2021 सेशन में स्टार्ट हुआ है। 2021 जो है ये ब्रांच कोड है, ब्रांच कोड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ब्रांच कोड 21 है। ये जो 4 है ये फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, और ये 04 जो है ये चौथा सब्जेक्ट को दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस में टोटल जो पढ़ना है वो 5 यूनिट है। क्या क्या है देखिए, पहला यूनिट में फंडामेंटल ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर इनसाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रीडिंग ड्राइंग एंड डायग्राम्स, ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है। तो डिफरेंट सारा चीज़ है, फॉल्ट फाइंडिंग एट सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ जो है यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 जो है पैसिव कंपोनेंट्स एंड देयर टेस्टिंग, पैसिव कंपोनेंट रेसिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर फेल्योर्स इन फिक्स्ड रेसिस्टर, तो ये सब चीज़ को पढ़ना है। LDR है, थर्मिस्टर है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है और उसका परफॉर्मेंस है, फेल्योर इन कैपेसिटर, टेस्टिंग ऑफ कैपेसिटर, प्रिकॉशन देयर, वेरिएबल कैपेसिटर टाइप, टेस्टिंग ऑफ इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस मेजरमेंट, यूनिट 2 में है ये सब। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, काउज ऑफ फेल्योर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस, टाइप्स ऑफ फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर फॉर डायोड, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर ऑपरेशंस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फॉल्ट डायग्नोसिस इन ओपन सर्किट। तो ये यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में लॉजिक आईसी फैमिलीज है, पैकेजेज इन डिजिटल आईसी, आईसी फैब्रिकेशन, आईसी पिन आउट। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ है देख सकते हैं, आईसी विथ पल्स जनरेटर, लॉजिक क्लिप, लॉजिक प्रॉब, लॉजिक पल्सर, लॉजिक करेंट ट्रेसर, लॉजिक कंपैरेटर, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर फॉल्ट डायग्नोसिस। तो ये डिफरेंट सारा चीज़ है यूनिट 4 में। यूनिट 5 की बात कर ले तो रीवर्क एंड रिपेयर ऑफ सरफेस माउंट असेंबलीज, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एंड सरफेस माउंट डिवाइसेस, सरफेस माउंट सेमीकंडक्टर पैकेज, SOIC, SOT, LCCC, LGA, BGA, COB। तो डिफरेंट सारा चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो देख सकते हैं टोटल कितना यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में, टोटल 5 यूनिट है, देख सकते हैं बारीकी से।
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट ये आपका पांचवा सब्जेक्ट है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें जो है टोटल 5 यूनिट इसमें भी पढ़ना है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला यूनिट है आईसी फैब्रिकेशन एंड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लीनियर सर्किट, आईसी फैब्रिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ओपैम का एप्लीकेशन को पढ़ना है, साइन चेंजर, स्केल चेंजर, फेज शिफ्ट सर्किट, वोल्टेज फॉलोअर, वी टू आई, आई टू वी कन्वर्टर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लोगरिथमिक एम्पलीफायर, एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर, कंपैरेटर, स्मिथ ट्रिगर, प्रिसीजन रेक्टिफायर, तो डिफरेंट सारा चीज़ को जो है पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 3 जो है वो है एनालॉग मल्टीप्लायर एंड पीएलएल, जिसमें आपको पढ़ना है एनालॉग मल्टीप्लायर यूजिंग इमिटर कपल ट्रांजिस्टर पेयर, गिलबर्ट मल्टीप्लायर सेल, वेरिएबल ट्रांस कंडक्टेंस टेक्निक, और भी डिफरेंट सारा चीज़ है, क्लोज लूप एनालिसिस, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, मोनोलिथिक पीएलएल, आईसी 565, एप्लीकेशन ऑफ पीएलएल, तो ये डिफरेंट सारा चीज़ को पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एडीसी एंड डीएसी के बारे में पढ़ना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इस दोनों के टाइप्स को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। यूनिट 5 में है वेब फॉर्म जनरेटर्स एंड स्पेशल फंक्शन आईसी, जिसमें साइन वेव जनरेटर, मल्टी वाइब्रेटर एंड ट्रेंगुलर वेव जनरेटर, सौतूथ वेव जनरेटर, ICL 8038 फंक्शन जनरेटर, आईसी टाइमर, IC555, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, तो डिफरेंट सारा चीज़ के बारे में जो है यूनिट 5 में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो है टोटल 5 यूनिट है, आपके स्क्रीन पे सिलेबस है। उसके बाद प्रैक्टिकल पेपर है माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन लैब है, जिसमें आपको क्या करना है डिफरेंट सारा जो कंटेंट दिया हुआ है उस पे लैब करना है, ये टॉपिक पे आपको लैब करना है। उसके बाद जो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लैब है, जिसमें आपको ये सब टॉपिक पे जो है लैब में जाके प्रैक्टिकल करना है। तीसरा है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट लैब, जिसमें आपको ये जो डिफरेंट सारा टॉपिक है इस पे आपको लैब करना है। चौथा है मैट लैब, जिसका कंटेंट आप देख सकते हैं टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, टू फाइंड द लोडिंग इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो डिफरेंट सारा चीज़ जो है मैट लैब में करना है इस टॉपिक पे। और नेक्स्ट है एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन, ये टर्म वर्क है, जिसमें आपको ये सब चीज़ करना है, वेद, उन वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंध वेद, ये सब चीज़ के बारे में जो है आपको नॉलेज रखना है जो आपके कल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन लैब, ये टर्म वर्क में है, इसमें भी लैब है डिफरेंट सारा, देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल दिया हुआ है उस पर आपको करना है। फिर माइनर प्रोजेक्ट है, कोई एक प्रोजेक्ट करना है, और ब्लॉक चेन थॉट स्वयं अदर स्वयं पोर्टल से या मुख से जो है इसको करना है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा सिलेबस 4th सेमेस्टर का आपके स्क्रीन पे है, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, न्यू सिलेबस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।